नमस्कार दर्शक बंधु समस्त शुभ सकाल आज हूँ 30 एप्रिल गुरुवार प्रतिदिन पर आज आप सकाल 20 मुख्य खबर तेज भिडियो आरंभ करने पूर्व जदि आप चैनल को नुआ करते तो ओली न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करदे सहित पाखे आस बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु प्रतिदिन सकाल मुख्य खबर तक जानापी नंबर एक देखा प्रथम खबर लॉकडाउन पर प्लस टू परीक्षा 7 दिन आगु दिया जीव सूचना कोरोना संकट भितर प्लस टू परीक्षा को नहीं स्थिर बड़ खबर लॉकडाउन उठिबार 7 दिन भितर ही युक्त दे परीक्षा करा गतकाल सूचना देखते स्कूल और गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास विभाग मंत्री सूचना अनुसार ताला बंद उठा पर ही परीक्षा करा गणशिक्षा विभाग पक्ष समस्त प्रस्तुति सरी से हीपरी छात्र छात्री को एथपाई सर्वनिम्न 7 दिन आगु सूचना दीजिए तेणु छात्र छात्री कि अभिभावक एंदर होगा दरकार ना परीक्षा बंद होवार कौन से संभावना ना कारण जदि परीक्षा बंद हुए तेज पिला ठीक रे कॉलेज रे नाम लिखाई पारे ना कौन शिक्षा मंत्री। नंबर दुई परवर्त खबर निज घर को फेरबे लॉकडाउन फसी लोक केन्द्र सरकार जारी करे गाइडलाइन कोरोना कारण पूरा देश लॉकडाउन फसी रही प्रवासी श्रमजीवी पर्यटक छात्र छात्री और अन्य लोकों पर केन्द्र गृह मंत्रालय गतकाल बड़ निष्पत्ति नहीं तेज नूतन गाइडलाइन अनुसार प्रथम है अटक रही लोक छाड़ा और ग्रहण करने समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचलगुड़ नोडाल अधिकारी नियुक्त करेंगे द्वितीय है राज्यर अगर राज्य को लोक निजी राज्य सरकार मैंने परस्पर सहित आलोचना कर कार्य करेंगे तृतीय है गोटे स्थानु अगर स्थान को जवाक लोक श्रेणी कर चतुर्थ एकाधिक लोक नेवाई बस रवहार हो बस गुड़िक सानिटाइज कर निज राज्य में पहुंचा पर स्थानीय अधिकारी मैंने स्वास्थ्य परीक्षा करेंगे सामान क्वारेटाइन रखा। नंबर तीन परवर्ती खबर सरकार बड़ निष्पत्ति गाँ लोके बैरिकेड कोरोना मुकाबला बेले राज्य सरकार कड़ा निर्देश गाँ लोके बैरिकेड ग्रामवासी द्वारा करेड हूँ बेआईन केवल प्रशासन व्यतीत कहीं बैरिकेड करें मुख्य शासन सचिव अशित त्रिपाठी निर्देश देते एपरिक निर्माण होता बेआईन बैरिकेड को तुरंत हटावा समस्त जिलापा निर्देश देते मुख्य शासन सचिव तेज सब बड़ कथा है कि ग्राम और पंचायत लोक मैंने विभिन्न स्थान में बेआईन बैरिकेड करदे जहाँफल माल परिवहन और श्रमिक जावासवे बाधा सृष्टि हो। नंबर चार परवर्ती खबर ओडिशा रे बात्या आशंका ना कि 5 दिन पर्यंत बर्षिब 8 जिला येलो वार्निंग जारी आसंता 48 घंटा मध्य दक्षिण अंडमान अंचल एक लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रही किंतु यह द्वारा भारतीय मूल उपखंड में बात्या होवार आशंका कम रही विशेषकर ओडिशा आंध्र प्रभृति राज्य में बात्या आशंका ना भारतीय पाणिपाग विभाग स्पष्ट कर देती तेरे आसंता 5 दिन पर्यंत ओडिशार केतेक जिले में स्वल्प मध्यम धरणर वर्षा लागि रहिबो एपरिक केतेक स्थान में प्रबल वर्षा होगा सहित वज्रपात होवार आशंका रही सहित घंटा प्रति 50-60 किलोमीटर बेगर पवन बहार संभावना रही दृष्टि रखी राज्यर 8 जिला नुआपड़ा बलांगीर कंधमाल गंजाम नयगढ़ खोर्धा केन्दुझर और मयूरभंज जिले में पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी कर। नंबर 5 परवर्ती खबर देखा ओडिशार नुआ 3 जिला को व्यापिला कोरोना समस्त आक्रांत रही पश्चिम बंगलिक गतकाली गोटे दिन में राज्य में मोट 7 जन आक्रांत चिन्ह होती सका नुआ 3 जिला को कोरोना डेसी केन्दुझर देवगढ़ झारसुगुड़े 3 जन कोरोना आक्रांत चिन्ह होते तेज 3 जन जड़े महिला और 2 जन पुरुष थे तेज एम केन्दुझर पंचपाली अंचल 60 वर्ष व्यक्ति देवगढ़ बासुदेवपुर अंचल 34 वर्ष युवक और झारसुगुड़ा ब्रजराजनगर जड़े 18 वर्ष युवती थे भुवनेश्वर मधुसूदन नगर जड़े व्यक्ति कोरोना आक्रांत होगापर सका 4 पजिट चिन्ह होते किंतु संध्यारे बालेश्वर आउ 3 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होगापर गतका दिनक 7 जन पजिट बाहरी तेज समस्त कलिकता फेरता जमापड़ी आकमें राज्य में मोट पजिट संख्या 125 को छुई आम सक्रियों संख्या 85 थी बेले 39 जन सुस्थ होती। नंबर 6 परवर्ती खबर देखा अभिनेता इरफान खान को देहांत सिने जगतर दुखर छाया गतकाली आखि बुझी बॉलीवुड आखधाड़ी अभिनेता इरफान खान कैंसर रोग से दीर्घ दिन है पीड़ित होगापर शेष से गतकाली जीवन युद्ध में हारी जाइंट 54 वर्ष आखि बुझे अभिनेता इरफान खान मुंबईर कोकिलाबेन हस्पिटाल भर्ती होते इरफान स्वास्थ्य अवस्था गंभीर था और कोलन इनफेक्शन से पीड़ित होता जमापड़ा तेज देहांत पूरा बॉलीवुड में सकल छाय खेली जाती निकटने अभिनेता फिल्म अंग्रेजी मीडियम पर्दा को आसाला रिलीज दिन ही कोरोना देश में लॉकडाउन अवधि होवर परवर्त समय को घुंचाई दी जाता तेज से बॉलीवुड सहित हॉलीवुड स्पाइडरमैन और जुरासिक पार्क पर फिल्म काम कर सारी। नंबर 7 परवर्ती खबर कोरोना समय आधार कार्ड अपडेट कराइबा सहज हो जाए आधार कार्ड जारी करथिबा संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं नियम को आहरी कोहल कर दी तेज एपर्त आधार कार्ड अपडेट केवल बैंक और घरे डाकघर ही होता कि लोके अन्य जगार आधार कार्ड अपडेट कराइपारे वर्तमान सारा देश में होता 20,000 अधिक साधारण सेवा केन्द्र जहाँकि बैंकिंग करेस्पंडेंट रूपए कार्य करुच्ची आधार कार्ड अपडेट कर।
नंबर 8 परवर्ती खबर देखिबा एनकि सबदिन मिलिबनि माछ एवं मांस केवल रविवार राउरकेला महानगर निगम बा आरएमसी अंचल रे केवल रविवार खोलिबो आमिष दुकान तापनि सकाळ 7टा रो मध्यान 12टा पर्यंत एथिमै आरएमसी नुवा गाइडलाइन जारी करिछि दिनक दिन आक्रांतक संख्या वृद्धि पाउथो देखि आरएमसी एभलि निष्पत्ति नेछि। सुंदरगढ़ जिला रे गतकाल सुधा 10 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछन्ति सेथिरु 5 जन आरएमसी अधीन रे अछन्ति आ कोरोना संक्रमण को प्रतिहत करबा लागि आरएमसी एपरि निर्देशनामा जारी करिछि। नंबर 9 परवर्ती खबर ट्रक मालिकों पर बड़ खबर बीमा सह वर्षे जाए ऋण किस्ती स्थगित रखापी दावी लॉकडाउन परिवहन व्यवस्था ठप हो रोजगार हटाई हजार हजार ट्रक मालिक एभली स्थिति में ट्रक मालिक मैंने केमी ऋण सुझे से नहीं समस्त चिंतार पड़ता बेले एमंक बीमा सहित वर्षे जाए बैंक किस्ती घुंचाइबा को दावी उठी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथ्य कहे राज्य में प्राय 2 लाख ट्रक अच्छी आई 2 लाख ट्रक उपर मालिक ड्राइवर हेल्पर और श्रमिकों मिसाई प्राय 80 लाख लोक संसार निर्भर करुच्छे एभली स्थित ऋण नहीं ट्रक मालिकों किस्ती को वर्षे जाए घुंचाइबा सहित डीजेल उपर भाट छाड़ ड्राइवर और हेल्परों पर 50 लाख बीमा घोषणा सरकार को निकट में दावी उठाई ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। नंबर 10 परवर्ती खबर देखा ग्रीष्म छुट्टी भी छात्र छात्री को मिली मध्याह्न भोजन केन्द्र मानव संबल विकास मंत्री रमेश पोखरियाल गतका समस्त राज्य और केन्द्र शासित अंचल शिक्षामंत्री और सचिव सहित आलोचना करते तेरे रमेश पोखरियाल कहते लॉकडाउन समय तथा चलित ग्रीष्म ऋतु में छात्र छात्री को मध्याह्न भोजन प्रदान होधिक 1600 कोटी टंका अतिरिक्त व्यय बरद हो छात्र छात्री पाठ पढ़ा को गुरुत्व समस्त पुस्तक दुकान खोलने भी केन्द्र गृह मंत्रालय पक्ष अनुमति मिली ए दिग्वे राज्यगुड़ी पदक्षेप ने परामर्श देते। नंबर 11 परवर्ती खबर देखा इनके सब मेडिकल कॉलेज में केवल नीट कहले सुप्रीमकोर्ट मेडिकल पाठ्यक्रम में ना लिखा चाहूबा छात्र छात्री मानों पर गोटे मात्र नीट परीक्षा देवाक पड़ो नीट मार्क भित्तर समस्त सरकारी संख्यालघु और घर संस्थागुड़ शिक्षार्थी को मेडिकल पाठ्यक्रम में ना लिखा अनुमति मिली सुप्रीमकोर्ट कहते एपरी नीट परीक्षा द्वारा नाम लेखा करागले कौन से संख्यालघु डाक्तरी पाठ्यक्रम संस्थार अधिकार प्रभावित हो ना सर्वोच्च अदालत स्पष्ट करते घर कलेजगुड़ केन्द्र काउनसेलिंग पैनेल आसुवा छात्र छात्री मानक नाम लिखा अनुमति देवन सुप्रीमकोर्ट क्षुब्ध होती आउ कोर्ट कहते देशर समस्त घर और संख्यालघु संस्थागुड़ नीट मार्क भित्तर पिला नाम लिखा अनुमति देवाक बाध्य। नंबर 12 परवर्ती खबर सब सरकारी कर्मचारी आरोग्य सेतु आप डाउनलोड करने को बाध्य कोरोना पे आरंभ होता आरोग्य सेतु आप को डाउनलोड करने गतकाली केंद्र सरकार अधीन कार्य कर समस्त कर्मचारी को निर्देश देते आप डाउनलोड कर ऑफिस को आसपा समस्त कर्मचारी को कहुई यहाद्वारा कर्मचारी मैंने निजे सुरक्षित रहा सहित अगर सुरक्षित करेंद्र सरकार कहते आउ केन्द्र सरकार पक्षर विज्ञप्ति में कहुई आप डाउनलोड कराद्वारा आप सुस्थ कि नुह जापरेंगे। नंबर 13 परवर्ती खबर बढ़ुची कोरोना गोटे दिन में देश में 74 मृत देश में द्रुतगति में महामारी कोरोना व्यापार लगी गत 24 घंटा मध्य देश में 74 जन जीवन जाए गोटे दिन में इतने संख्यक लोक देश में प्राण हर होती प्रथम घटना तेज गतका मृतों को मिसाई भारत में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 1008 पहुंची जाए 24 घंटा मध्य देश में 1500 अधिक लोक कोरोना आक्रांत होती फल देश में कोरोना आक्रांतों संख्या 31,787 पहुंची जाती है 7,797 जन सुस्थ होती आ वर्तमान 22,982 जन विभिन्न हस्पिटाल चिकित्सित होती 111 जन विदेशी नागरिक रही तेरे स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुजाई महाराष्ट्र कोरोना जो सबुठ अधिक क्षतिग्रस्त होती एठार वर्तमान सुधा 9,318 जन कोरोना आक्रांत होता बेले 400 जन प्राण हर से 1388 जन सुस्थ होती। नंबर 14 परवर्ती खबर फायदा ना पर रंग बदलला आमेरिका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कला अनफलो वर्तमान पर्यंत आमेरिकार 60,012 हो सारे मृतकों संख्या से ही कोरोना लक्षाधिक लोक आक्रांत हो सारे यही समय आमेरिका भारत ठू हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन औषध सहयोग मांगा भारत आमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन औषध रप्तानी करपत्ति भारत निष्पत्ति देखी आमेरिका खुशी हो भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्विटर हैंडेल को ह्वाइट हाउस पक्ष ट्विटर हैंडेल फॉलो कर और सर्वसम्मुखें भारत प्रधानमंत्री को खूब प्रशंसा करता किंतु किसी दिन धरी फॉलो करने एवं समस्त को अनफॉलो कर ह्वाइट हाउस ट्विटर हैंडल। नंबर 15 परवर्ती खबर लॉकडाउन पर सीबीएसई दशम और द्वादश परीक्षा लॉकडाउन शेष भाव में बाकी दशम और द्वादश श्रेणी परीक्षा हो सीबीएसई बोर्ड कर्तृपक्ष गतकाली यह स्पष्ट करते सीबीएसई पक्ष ट्वीट कर बाकी दशम बोर्ड परीक्षा को नहीं अनेक आलोचना होती एप्रिल 1 दशम और द्वादश श्रेणी परीक्षा जो निष्पत्ति से बोर्ड कर्तृपक्ष कायम रही लॉकडाउन शेष हेले बाकी 29 विषय परीक्षा हो सीबीएसई पक्ष ट्वीट कर एभली परिस्थिति में दशम श्रेणी परीक्षा और हेबना किसी मिछ खबर प्रकाश पाई खबर गुजब बोली सीबीएसई कही। नंबर 16 परवर्ती खबर किम्स विरल अस्त्रोपचार 7 वर्ष शिशुर फुसफुस बाहर दात
राजधानी स्थित कलिंग इनस्ट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बा किम्स रे जणे 7 वर्ष शिशुर सफल अस्त्रोपचार होईछि। ए शिशुटीर क्षीरदांत वृद्धि पाए श्वासपथकु अवरोध करथिला। एथिजोंगु फुसफुसरे श्वास प्रक्रिया अस्वाभाविक होई पडिथा जों श्वास प्रश्वास नेबारे रोगीर कष्ट अनुभव होतिला। आ वर्तमान कोरोना महामारीर लॉकडाउन जों एहिपरि एक व्ययबहुल तथा विरल चिकित्सा पद्धति डाक्तरमानक लागि चैलेंज सृष्टि करथिला। विभिन्न प्रतिकूल परिस्थिति सत्त्वे किम्सर डाक्तरमाने निष्ठापरता एवं दृढ़ मनोवृत्ति जों विरल चिकित्सा सफल होई पारिछि। नंबर 17 परवर्ती खबर लॉकडाउन न बढ़े बातिल हेबो खरा छुट्टी। मेतिर पर जदि लॉकडाउन न बढ़े तेबे ओडिशा हाईकोर्ट और तलकोर्ट खरा छुट्टी बातिल हेबो। एने ओडिशा हाईकोर्ट रजिस्ट्रिंग पक्ष विज्ञप्ति प्रकाश पाई। ओडिशा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सभापति उपसभापति संपादक और एडवोकेट जनरल सहित विचार विमर्श पर हाईकोर्ट पक्ष निष्पत्ति। लॉकडाउन रे कोर्ट बंद थिबारु खरा छुट्टी रे कार्य चलिबा बोली सूचना मिलिथिला। जदि मे 3 तारिख पर लॉकडाउन न उठे तेबे मध्ये वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम रे जरूरी मामलार सुनाई करा जे बोली कहा जाय छे। नंबर 18 परवर्ती खबर ओडिया को नहीं चारोटी वस्त्र दूर छाड़ा आउ धैर्य ना। लॉकडाउन अवधि सरवा जाए अपेक्षा करने को प्रस्तुत नुहति ओडिया प्रवासी। तेणु गत काली पूर्व भाई राति पे 10:30 बड़े 150 अधिक प्रवासी ओडिया को नहीं चारोटी बस सूरत गंजाम अभिमुख बाहरी। सूरत हरिनगर अंचल तीनो बस छाड़ी बेले भेस्तान अंचल गोटे बस छाड़ जमापड़ी। प्रति बस 36 जन लेखाएं यात्री ने सेठार प्रशासन अनुमति प्रदान करेगी। तेज यहाँ किसी अधिक यात्री रही जमापड़ी। तेज गंजाम जगन्नाथ प्रसाद अभिमुखे 2 शेरगढ़ ब्लक ताकरोडा और भंजनगर अड़गा अभिमुखे गोटे लेखाएं बस छाड़ सूचना मिली। नंबर 19 परवर्ती खबर देखा कटकणाजुक्त रथयात्रा प्रस्ताव देला दईता प्रति निजोग। समग्र देश में लॉकडाउन जारी रही आपत्तकालीन व्यवस्था अनुजाई रथयात्रा बंद हेल्ला असुविधा नहीं बोली 2 दिन पर परामर्श देता मुक्ति मंडप। किंतु गतकाली श्रीजीवों रथयात्रा आयोजन प्रस्ताव देती दईता प्रति निजोग। कोरोना समय सरकार द्वारा लागू होता समस्त नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करने सहित रथयात्रा आयोजन अनुरोध कर दईता प्रति निजोग। किंतु राज्य सरकार जगतगुरु शंकराचार्य और गजपति ही शेष निष्पत्ति ने निजोग पक्ष कहु। नंबर 20 परवर्ती खबर देखा मौसुमी प्रभाव स्वाभाविक हेले जून और जुलाई मासरे कम वर्षा। ए वर्ष देश में मौसुमी वायु प्रभाव जनित वृष्टिपात स्वाभाविक हेले प्रारंभिक मास मानक वृष्टिपात हार स्वाभाविक ठारू कम रहे आभ्यंतरण सरकारी आकलन जमापड़ी। गत वर्ष पर एथर जून और जुलाई मासरे कम वर्षा होगापर अगस्त सेप्टेम्बर मास में मात्राधिक वर्षा हो आकलन जमापड़ी। ए संक्रांत में सविशेष तथ्य भारतीय पाणीपाग संस्थान मे शेष सप्ताह किंवा जून प्रथम सप्ताह घोषणा कर। तेबे सरकारी आकलन जमापड़ी ओडिशा पश्चिमबंग और मिजोराम उपकूलवर्ती अंचल में प्रारंभिक मास मानक स्वाभाविक ठारू सर्व वृष्टिपात होगा।